हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल में विकास यात्रा निकाली जाएगी जो प्रदेश की सभी पंचायतों तक सरकार की विकास की नीतियों को पहुंचाएगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की यूपी में यात्रा पूरी करके दिल्ली पहुंचे हैं और हमारे साथ हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सुक्खू हैं, इनसे बात करते हैं। सर, यूपी की यात्रा तो पूरी हो चुकी है, अब हिमाचल प्रदेश में भी क्योंकि अगले साल चुनाव हैं तो वहां किस तरह से कोई यात्रा निकालने का प्लान है, क्या कुछ रोड मैप जो है किया जाएगा? नहीं, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में हमने एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, पंचायत एक विकास अनेक, कांग्रेस विकास यात्रा की शुरुआत करेगी और हमारे जितने 3243 पंचायतें हैं, 250 के करीब जिला परिषद के सदस्य हैं, 68 विधानसभा क्षेत्र है, 4 लोकसभा क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में हमारे जो क्षेत्र के नेता होंगे वो कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक प्रेरणा के स्रोत है राहुल जी भी, क्योंकि राहुल जी ने 46 दिन पैदल यात्रा की है, जो यात्रा की है उससे यूपी में जहाँ 27 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है और लेकिन उनमें कार्यकर्ताओं में जोश भरा, निश्चित तौर पर ये यात्रा भी हमारे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि 2017 में चुनाव होने हैं और निश्चित तौर पर 2017 में जीत सुनिश्चित करने के लिए यात्रा की। तो हिमाचल कांग्रेस में भी अब यूपी की तर्ज पर विकास यात्रा शुरू होने वाली है, हालांकि उसमें राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे लेकिन दिल्ली से हाईकमान के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पंचायतों तक जाएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया दिल्ली।